देखिए, यदि ट्यूब में मर्क्यूरी भरा हुआ हो तो सवाल बड़ा इजी होता है। मैं सेम प्रॉब्लम दे रहा हूं, एग्जैक्टली वही सेटअप जो मैंने पहले सवाल में दिया था। यू शेप्ड ट्यूब क्लोज एट वन एंड ओपन एट अनदर एंड। और किसी लिक्विड से भरा हुआ, लेकिन इस बार मैं लिक्विड मर्क्यूरी नहीं दूंगा, मैं कोई दूसरा लिक्विड देने वाला हूं, कोई ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी हो 3.6। वही सेटअप है, दोनों ट्यूब में लिक्विड लेवल में डिफरेंस 80 सेंटीमीटर्स का। क्लोज एंड में गैस ट्रैप्ड है जिसका प्रेशर पी, ओपन एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर, लिक्विड लेवल का डिफरेंस 80 सेंटीमीटर, लेकिन इस बार मर्क्यूरी नहीं है, इस बार कोई दूसरा लिक्विड है और उस लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 3.6। रिपीट द सेम प्रॉब्लम, टेल मी प्रेशर पी इन ऑल यूनिट्स, टेल मी द प्रेशर पी इन ऑल यूनिट्स। फिर वापस उसी तरह का प्रॉब्लम, यदि मर्क्यूरी के बजाय कोई और लिक्विड हो तब कैसे करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम को करने के कई सारे मेथड हैं। सबसे पहले, अभी भी कई सारे डाउट्स बने हुए हैं, बचे हुए। देखिए, किसी भी लिक्विड में प्रेशर कई वजह से हो सकता है, लेकिन सेम लिक्विड के सेम लेवल पर यदि देखा जाएगा तो प्रेशर किसी भी वजह से हुआ, चाहे एटमॉस्फेयर की वजह से हो, चाहे गैस की वजह से हो, सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर सेम होगा। मैं लिक्विड का यह लेवल ले लूं, मैं कहता हूं इस लेवल पर लिक्विड का जो प्रेशर होगा, लिक्विड पर जो प्रेशर होगा वह पी होगा, प्रेशर ड्यू टू गैस प्लस, ये मैंने बिल्कुल डिफरेंशियल विड्थ ली है जिसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं। इस लेवल पर इस लिक्विड में प्रेशर पी होगा, और आप सोचिए, जबकि इस लिक्विड पर इस लेवल पर एटमॉस्फेरिक एयर है, इसके ऊपर इधर जो प्रेशर होगा वह पी एटमॉस्फेयर होगा। अब एक तो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और इसके अलावा यह जो लिक्विड कॉलम है इसकी हाइट की वजह से कुछ प्रेशर लग रहा है, एंड दैट शुड बी दिस प्रेशर एट दिस लेवल। मैं कहता हूं प्रेशर पी शुड बी इक्वल टू पी एटमॉस्फियर प्लस प्रेशर ड्यू टू 80 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड कॉलम। अब देखिए, यदि इधर लिक्विड मर्क्यूरी होता तो प्रॉब्लम बड़ा इजी होता, जैसे हमने पिछले बार कर दिया कि पी एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर लिख दिया और फिर मर्क्यूरी कॉलम की हाइट देख लिया, उससे कर दिया। लेकिन खास बात, इधर मर्क्यूरी नहीं है। अब यदि मर्क्यूरी नहीं है तब इस प्रॉब्लम को कैसे करा जाए। अब मैं कहता हूं बिल्कुल डायरेक्टली हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? पी एटमॉस्फेयर हमें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1.01325 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पता है, मैंने ऐसा कैसे लिखा। अब प्रेशर ड्यू टू 80 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एच हाइट की लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर क्या होता है? एच रो जी। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कॉलम, दैट इज 3.6 इंटू 10 टू पावर 3। देखिए, यह जो डेंसिटी है रिलेटिव डेंसिटी है, यह रिलेटिव डेंसिटी है, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी होगी 3.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर,
डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10^3 kg/m³. द एब्सोल्यूट डेंसिटी एच रो जी, दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देखिए ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कैलकुलेटेड इन ऑर्डर टू गेट द प्रेशर एट ऑफ दिस गैस. और यह जो प्रेशर आया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है 1.01325 प्लस 0.80 × 0.36 × 0.981 × 10^5 pascal भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को. 10^5 कॉमन निकाल लिया है मैंने, और इसे हम बार में भी लिख सकते हैं इस तरह से 0.8 × 0.36 × 0.981 दिस मच बार. इसे हम एटमॉस्फियर्स में भी लिख सकते हैं, कैसे, डिवाइडेड बाय 1.01325. अपॉन 1.01325 दिस मच एटमॉस्फियर. दिस इज द प्रेशर पी इन एटमॉस्फियर. इसे हम सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में भी लिख सकते हैं. जितने एटमॉस्फियर हैं, यदि नंबर ऑफ एटमॉस्फियर पता लग गया है, दिस इज द प्रेशर इन एटमॉस्फियर, हेंस दिस इज प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. Hence, this is millimeter of mercury लिख दो या फिर tor लिख दो. और इस तरह से यदि इसको इंटू 10.33 कर देंगे, सेम एक्सप्रेशन को इंटू 10.33 कर देंगे, देन दैट इज मीटर्स ऑफ वाटर. दिस इज द प्रेशर पी इन वेरियस यूनिट्स. ध्यान से इसको देखें, मैं एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम समझाऊंगा. See the setup.
इस सेटअप को ध्यान से देखें, वंस अगेन दिस टाइम वंस अगेन वी हैव अ ट्यूब, लेकिन इस बार यू शेप्ड ट्यूब नहीं, क्लोज्ड एट दिस एंड, और इस तरह से 60 डिग्री के एंगल पर यह स्ट्रेट ट्यूब है। 60 डिग्री का ऐसा एंगल है। वंस अगेन सम लिक्विड विल लैंड, और लिक्विड के द्वारा जैसा कोई गैस ट्रैप हुई, कुछ प्रेशर पी पर, और कंडीशन ऐसी है कि स्ट्रेट ट्यूब में 10 सेंटीमीटर और इंक्लाइन ट्यूब है इसमें 50 सेंटीमीटर, लिक्विड की डेंसिटी है 1.6। नाउ यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द प्रेशर पी इन ऑल यूनिट्स, लिक्विड की डेंसिटी रखी हो या 50 सेंटीमीटर इधर रहे तो 10 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताएं कि इस गैस का प्रेशर पी क्या है यदि यह ओपन टू एटमॉस्फेयर। सोच समझ कर इसको करें, कैसे करेंगे। देखिए बेसिक एप्टीट्यूड बेस्ड प्रॉब्लम हो चुका है, इसमें कोई ज्यादा ऐसा ज्यादा बड़ा फंडा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रेशर हमेशा सिर्फ वर्टिकल हाइट पर निर्भर करता है। अब देखिए यह 10 सेंटीमीटर वर्टिकल हाइट तो हमें पता है, आप इधर से इधर की यह वर्टिकल हाइट निकाल लीजिए, यहां से यहां की, यह जो इंक्लाइंड ट्यूब है इस इंक्लाइंड ट्यूब में यह वर्टिकल हाइट आप निकाल लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से हम कहते हैं कि यह एंगल 60 डिग्री है, और हाँ बोलो, यह यदि 50 है तो यह 50 cos 60 होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इस इंक्लाइंड ट्यूब में यह लिक्विड वर्टिकल हाइट 25 सेंटीमीटर के बराबर है इस इंक्लाइंड ट्यूब में, यह वर्टिकल हाइट हमने निकाल ली। अब हम कहते हैं वर्टिकल हाइट डिफरेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर का। हाँ नहीं, आंसर मत बोलो, मुझको भी नहीं रटा हुआ है आंसर, फंडा देख लो। वर्टिकल हाइट डिफरेंस 15 सेंटीमीटर का है, वो कैसे कि इधर 25 सेंटीमीटर और इधर 10 सेंटीमीटर, मतलब इसमें जो है वर्टिकल हाइट 15 सेंटीमीटर ऊंची ज्यादा लिक्विड। अब हम ऐसे कहते हैं कि इधर लिक्विड लेवल नीचे है, इसका मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, इधर लिक्विड लेवल ऊपर है इसका मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू 15 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड। प्रेशर ड्यू टू 15 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड, दिस पी एटमॉस्फियर इज अ प्रेशर है प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस 15 सेंटीमीटर जो एक्सेस हाइट है, That is equal to the pressure at this level. जो प्रेशर इस लेवल पर वही प्रेशर इस लेवल पर, और हम कहते हैं दिस प्रेशर पी इज एटमोस्फेरिक प्रेशर की जगह 1.01325 प्लस इंटू 10^5 प्लस प्रेशर ड्यू टू 15 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड इज एच रो जी, दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
This is the pressure of that liquid, pressure of that gas. میرا اگلا سوال دوں گا جو تھوڑا اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. بیسک ٹرگنومیٹری لگانی تھی اس پرابلم میں, کیسے لگائی گئی ہے دھیان سے دیکھنے. ہاں ہاں آ جائے گا, تب بھی آئے گا. میں اب ابھی تک تو میں ایک ہی لیکوڈ لیتا تھا, اب میں اسی یو شیپڈ ٹیوب میں ایک لیکوڈ لینے کے بجائے دو لیکوڈ لیتا ہوں. ایک تو یہاں مرکیوری ہے ہی, اور دوسرا لیکوڈ میں لیتا ہوں جس کی ڈینسٹی ہے 2.6. اور ادھر کوئی گیس ہے جس کا پریشر پی ہے. ونس اگین دا سیم پرابلم, دس اوپن ٹو ایٹموسفیئر اینڈ دس کلوز, کلوز جن میں کوئی گیس ہے پریشر پی پر. پھر واپس میرا وہی سوال, کون سا سوال, کہ یہاں ہے 50 سینٹی میٹر, یہاں سے یہاں تک ہے 10 سینٹی میٹر, اور یہاں سے یہاں تک ہے 20 سینٹی میٹر. اور اس کے اندر ہے مرکیوری جس کی ڈینسٹی ہے 13.6. ونس اگین ٹیل می پریشر پی ان سیوٹیبل یونٹ, ناٹ ان آل یونٹ, کوئی سے بھی ایک سیوٹیبل یونٹ میں آپ کو بتائیں. آبزرو دس سیٹ اپ, اس سیٹ اپ کو دیکھیں اور گیس کا پریشر پی بتائیں. سارے جو لینتھ ہے وہ سب سینٹی میٹرز میں میں نے دے رکھے. دیکھیے میں پرابلم کو کرنے کا کنسپٹ بتا دیتا ہوں. میں نے بار بار اس بات کو بتایا ہے, سیم لیکوڈ میں سیم لیول پر پریشر سیم ہوتا ہے اف دا لیکوڈ از ہائیڈرو اسٹیٹیکلی کنیکٹڈ. یعنی لیکوڈ ہائیڈرو اسٹیٹیکلی کنیکٹڈ ہے تو سیم لیکوڈ میں سیم لیول پر پریشر سیم ہوتا ہے. کیا اس لیول پر اور اس لیول پر پریشر سیم ہوگا؟ کیا اس لیول پر پریشر سیم ہوگا؟ نہیں. آپ بالکل بھی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس لیول پر پریشر سیم ہوگا, کیونکہ ادھر تو ایک لیکوڈ ہے ادھر تو گیس ہے, یا دو الگ الگ سبسٹنس کے سیم لیول پر پریشر سیم نہیں ہوگا. کیا اس لیول پر پریشر سیم ہوگا؟ اس لیول پر بھی پریشر سیم نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کوئی اور لیکوڈ ہے اور یہ کچھ اور لیکوڈ ہے. دو الگ الگ لیکوڈ کے سیم لیول پر پریشر سیم نہیں ہوتا ہے.
सेम लिक्विड के सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है। इस लेवल पर और इस लेवल पर प्रेशर को इक्वेट नहीं करा जा सकता। तो प्रेशर इक्वेट कहां करा जा सकता है? देखिए, यह मर्क्यूरी सेम लिक्विड के सेम लेवल पर, इस लेवल पर प्रेशर इक्वेट करा जा सकता है। हम कहेंगे व्हाट एवर इज द प्रेशर एट दिस लेवल, द सेम वुड बी द प्रेशर एट दिस लेवल। सबसे पहले इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझे कि सिर्फ मर्क्यूरी जो कि सेम लिक्विड है, इसके सेम लेवल पर प्रेशर सेम कर देंगे। कैसे सेम करेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे। What is pressure at this level? Pressure at this level is P plus pressure due to 50 centimeter of liquid plus pressure due to 50 centimeter of liquid. Pressure at this level plus pressure due to 50 centimeter of liquid. वुड बी प्रेशर एट दिस लेवल, वह इस लेवल पर प्रेशर होगा। अब मैं इस लेवल पर प्रेशर निकालता हूं, देखिए कैसे निकालूंगा। प्रेशर एट दिस लेवल दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एट दिस लेवल इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू 10 centimeter of mercury, क्योंकि इधर से इधर तक 10, इधर से इधर तक 20, 20 में से 10 हटा दो, दिस 10। नाउ दिस इज प्रेशर एट दिस लेवल। मैंने इस प्रेशर में इस कॉलम की वजह से प्रेशर ऐड कर दिया, वह इधर प्रेशर आ गया, और इस प्रेशर में इस कॉलम की वजह से प्रेशर ऐड कर दिया, वह इधर प्रेशर आ गया। और हम जानते हैं कि इस लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर सेम होना चाहिए, इसलिए यह दोनों प्रेशर बराबर होने चाहिए। पी इज इक्वल टू पी एटमॉस्फियर प्लस प्रेशर ड्यू टू 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी माइनस, ये चीज इधर आ गई, प्रेशर ड्यू टू 50 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड। हेंस पी इज इक्वल टू पी एटमॉस्फियर की जगह 1.01325 इंटू 10^5, यह है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, प्लस प्रेशर ड्यू टू 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज एच रो जी, दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, माइनस प्रेशर ड्यू टू 50 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड। प्रेशर ड्यू टू 50 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड वुड बी एच रो जी, दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ गैस। कैलकुलेट इट इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से देखें, इसके बाद मैं एक और प्रॉब्लम दूंगा। हर तरह के वेरिएशन, हर तरह के मॉडिफिकेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस डिवाइस को हम बैरोमीटर या मैनोमीटर कहते हैं। इस तरीके से हम प्रेशर रीड करते हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को नोट डाउन करें।
उसके बाद मैं अगला सवाल दूंगा। प्रैक्टिस के लिए एक और प्रॉब्लम देता हूं। वंस अगेन ऑब्जर्व द सेटअप। क्लोज एंड में प्रेशर पी, 40 सेंटीमीटर हाइट का यह मर्क्यूरी कॉलम, 60 सेंटीमीटर हाइट का यह कोई लिक्विड का कॉलम जिसकी डेंसिटी 3.6 है। वंस अगेन टेल मी व्हाट इज द प्रेशर पी ऑफ द गैस। सेम प्रॉब्लम सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। आई नो आप काफी सारों को सब कंसेप्ट समझ आ गया, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कि कई सारे ऐसे हैं जिनको कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। लास्ट प्रॉब्लम है, इसमें समझने की कोशिश करो। देखिए यह मर्क्यूरी है, इस मर्क्यूरी के सेम लेवल पर प्रेशर हम सेम कहेंगे। जो प्रेशर इधर है वही प्रेशर हम इधर भी कहेंगे। अब किसी तरह से हम इधर प्रेशर निकालते हैं और किसी तरह से इधर हम प्रेशर निकालते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं। इधर कैसे प्रेशर निकालेंगे? देखिए इस लेवल पर प्रेशर पी लग रहा है, इस लेवल पर, और इस प्रेशर पी में 40 सेंटीमीटर मर्क्यूरी की वजह से प्रेशर ऐड कर दीजिए। प्रेशर ड्यू टू 40 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऐड कर दीजिए, तो वहां इस लेवल पर प्रेशर आ गया। इस लेवल पर प्रेशर निकालने का तरीका देख लीजिए। अब इसके बाद इस लेवल पर आप प्रेशर देख लीजिए। इस लेवल पर प्रेशर है पी एटमॉस्फियर, और फिर इस कॉलम की वजह से प्रेशर ऐड कर दीजिए। प्रेशर ड्यू टू 60 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड, और वह प्रेशर इस लेवल पर आ गया। नाउ प्रेशर दिस लेवल एंड प्रेशर दिस लेवल आर इक्वल, ये दोनों प्रेशर बराबर। हेंस पी इज इक्वल टू पी एटमॉस्फियर प्लस प्रेशर ड्यू टू 60 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड माइनस प्रेशर ड्यू टू 40 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। पी एटमॉस्फियर की जगह हम 1.01325 इंटू 10^5, 60 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड की जगह 0.6 इंटू इट्स डेंसिटी 3.6 इंटू 10^3 इंटू 9.8 माइनस 0.4 इंटू
13.6 into 10 to power 3 into 9.8. This is the pressure in Pascals. मैंने अभी तक बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री के कई सारे कंसेप्ट अभी तक मैंने आपको कवर करा दिए हैं। मैंने सबसे पहले बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में एटम, एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ ग्राम एटम, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस फॉर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, मोल मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस फॉर द नंबर ऑफ मोल्स, यह सब मैं करा चुका था। साथ साथ में मैंने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस फॉर गैसेस भी बता दिया था और उसके बाद में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चालू कराया था, एंड दैट वाज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट, द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट। और इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट समझाने के बाद फिर मैंने द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम, द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, यह सभी बातें कवर कराने के बाद टेम्परेचर और फिर पिछली क्लास तक बहुत डिटेल में प्रेशर कंसेप्ट मैंने कंप्लीट करा दिया था। द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री इज द मोल कंसेप्ट। इट्स अ इजी कंसेप्ट, इजी टू एक्सप्लेन, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू अप्लाई। कंसेप्ट एक ही बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि सरल सा कंसेप्ट है। बस इस कंसेप्ट के दो ड्रॉबैक है। कौन से दो ड्रॉबैक है वह मैं बताऊंगा। पहले हम कंसेप्ट को ध्यान से समझ लें। देखिए, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन, दिस एक्सप्रेशन डिनोट्स सम केमिकल चेंज। यह जो एक्सप्रेशन है, इट गिव सम केमिकल चेंज, कोई सा केमिकल चेंज इधर दिख रहा है। अ रिएजेंट ए इज रिएक्टिंग विथ बी टू गिव यू सी एंड डी, इस तरह का कोई केमिकल चेंज। इट सिंपली डिनोट्स अ केमिकल चेंज, इट नेवर डिनोट्स इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट मैनर ए एंड बी आर रिएक्टिंग टू गिव यू सी एंड डी। सिंपली ए इज रिएक्टिंग विथ बी टू गिव यू सी एंड डी। जैसे कि हम कह दें इथाइल अल्कोहल बर्न इन एयर टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल चेंज। वी से इथाइल अल्कोहल बर्न इन एयर टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर एंड वाटर। या फिर हम यह कहें कि KClO3 on heating gives you KCl and oxygen. And such expression, they simply denotes a chemical change. Now, let's balance the reaction. इस reaction को balance करा जाए। जैसे इथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन की रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, दो
कार्बन के मॉलिक्यूल से एथाइल अल्कोहल में, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे हमें। हाइड्रोजन के पांच और एक छह मॉलिक्यूल, छह एटम से, ये छह एटम मिलकर डेफिनेटली तीन वाटर के मॉलिक्यूल्स देंगे। अब ऑक्सीजन को सिंपली हम बैलेंस कर सकते हैं, चार चारो तीन सात, सात एक इधर से आ रहा है, मतलब थ्री ओ टू। इस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करा जा सकता है। KClO3 should give you KCl plus 3 by 2 of O2। इस तरह से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करा जा सकता है। नाउ इस जगह पर इस रिएक्शन को मैंने बहुत सिंपल तरीके से बैलेंस कर दिया। आगे जाकर मैं रिएक्शन को बैलेंस करने के कई तरीके बताऊंगा जब कोई कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी सी रिएक्शन है, क्योंकि ये छोटी सी रिएक्शन थी, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं थी, इजी रिएक्शन थी, डायरेक्ट रिएक्शन थी, इसलिए हमने देख के बैलेंस कर दिया। कई सारी बड़ी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वी हैव गॉट अ सिस्टमैटिक मेथड, एंड यू हैव नॉट डीलिंग विद दैट मेथड राइट नाउ। फर्दर इन चैप्टर्स आई विल डील विद द बैलेंसिंग ऑफ पार्ट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो। राइट नाउ मैं बस अभी यह कहना चाहता हूं कि कोई सा भी केमिकल चेंज है, उस केमिकल चेंज को हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करने के बाद इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लगा सकते हैं। ए का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट स्मॉल ए है, रिएजेंट बी का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट स्मॉल बी है। द स्मॉल ए स्मॉल बी दे आर द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, दे हैव गॉट सम न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि इधर वन है इधर थ्री है। रिएजेंट सी का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सी है, रिएजेंट डी का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट डी है, एग्जाम्पल जैसे टू और थ्री है। इस तरह से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करा जा सकता है, और बैलेंस करने के बाद इस तरह से न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लगाए जा सकते हैं। सच अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन। इस तरह की बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को हम स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन मींस द रिएक्शन व्हिच इज परफेक्टली एंड कंप्लीटली बैलेंस्ड। इस तरह के रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन कहा जाता है। इस स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन में यह जो कोएफिशिएंट है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, यह जो कोएफिशिएंट है, ए का कोएफिशिएंट स्मॉल ए बी का कोएफिशिएंट स्मॉल बी, दिस कोएफिशिएंट आर सेड टू बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस कोएफिशिएंट को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नाउ द मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट सेज दैट रिएक्टेंट रिएक्ट एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द मोलर रेशियो of stoichiometric coefficient। पहले कंसेप्ट को लिखो फिर मैं समझाता हूं। रिएक्टेंट रिएक्ट एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द मोलर रेशियो ऑफ stoichiometric coefficient। जैसे यदि मुझसे कहा जाए कि ए के कितने अमाउंट बी से रिएक्ट करेंगे और कितना अमाउंट बी का सी देगा और कितना अमाउंट देगा और कितना अमाउंट डी मिलेगा, यदि हम यह समझना चाहें कि ए और बी किस रेशो में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, किस रेशो में सी और डी मिलता है, यदि मैंने
इथाइल अल्कोहल लिया, उसमें आग लगाई, तो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, कितना कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर लिबरेट होगा, कितना वाटर वहां पर लिबरेट होगा, इस बात को यदि हमें पता लगाना है, इस बात को समझना है, देन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ मोल कंसेप्ट, देन वी यूज दिस कंसेप्ट, वी कॉल इट मोल कंसेप्ट. एंड मोल कंसेप्ट सेज दैट कि रिएक्टेंट किसी रैंडम तरीके से रिएक्शन नहीं करते, प्रोडक्ट किसी भी रैंडम तरीके से नहीं बनते हैं, रिएक्टेंट के रिएक्ट करने का भी एक तरीका है, प्रोडक्ट के बनने का भी एक रूल है. एंड दैट रूल इज दिस मोल कंसेप्ट. एंड व्हाट इज दैट रूल? रिएक्टेंट ऑलवेज रिएक्ट एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द मोलर रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. मतलब कि ए के स्मॉल ए मोल्स रिएक्ट करेंगे, ए के स्मॉल ए मोल्स रिएक्ट करेंगे बी के स्मॉल बी मोल्स से, टू गिव यू सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी. ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विथ बी मोल्स ऑफ बी to give you C moles of C and D moles of D. A moles of A react with B moles of B to give you C moles of C and D moles of D. This is mole concept. बड़ा easily मैंने समझा दिया है और आप सभी ने समझ भी लिया है. जब apply करोगे तब भी easy लगेगा, कोई difficult नहीं लगेगा. लेकिन फिर भी इस कंसेप्ट में दो समस्याएं हैं. पहली समस्या, दिस कंसेप्ट इन्वॉल्व लॉन्ग टीडियस एंड कंबरसम कैलकुलेशंस. इस कंसेप्ट के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो कैलकुलेशंस होते हैं वह लंबे होते हैं, टीडियस होते हैं और थोड़े माता पच्ची वाले होते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन के सवाल मोल कंसेप्ट पर जरा कम आते हैं. मोल कंसेप्ट पर यदि कोई सवाल होता है तो मान के चलो कि उसमें लंबा, बड़ा और उबाऊ कैलकुलेशन है. दूसरी बात, द मोल कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी हैव completely balanced reaction. न केवल reaction का complete होना जरूरी है बल्कि उसका completely balanced होना भी जरूरी है. यदि reaction unbalanced है या फिर reaction incomplete है तो mole concept नहीं लगाया जा सकता. Mole concept is applicable only for complete reaction and not only for complete reaction but also for completely balanced reaction. Reaction को complete होना चाहिए और completely balanced होना चाहिए. ऐसे reaction पर ही mole concept लगाया जा सकता है, अन्यथा mole concept नहीं लगाया जा सकता. In that case क्या concept लगाते हैं वो बात की बात. Future classes में समझाऊंगा कि जब reaction complete नहीं हो और जब रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड नहीं हो, जब मोल कंसेप्ट नहीं लगाया जा सकता हो, तब क्या कंसेप्ट लगाएंगे. तब जो कंसेप्ट लगाएंगे वो ट्वेल्थ में सीखेंगे, इलेवेंथ क्लास में हम सिर्फ मोल कंसेप्ट सीखेंगे. देखिए मैं एक सवाल देता हूं आपको, एक सिंपल सा सवाल पहले देता हूं मोल कंसेप्ट पर ही. इस रिएक्शन पर देता हूं जो मैंने लिख रखी है, KClO3 which exists in solid state, KCl this also exists in solid state, oxygen exists in gaseous state and this oxygen used to escape. अब यह रिएक्शन कैसे हो रही है पता है? यह रिएक्शन कैसे होती है? KClO3 को
जैसे अपन मूंगफली कैसे भूंजते हैं, मूंगफली को एक चलनी में डाल देते हैं, चलनी में डालने के बाद में उसको आग पर रख देते हैं और फिर ऐसे ऐसे मूंगफली को सेकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन करते हैं। वी कॉल इट रोस्टिंग। केसी एलो थ्री को इस तरह की मैश वाले रसल में डाल देते हैं और फिर आग के ऊपर रख देते हैं और ऐसे ऐसे भूंजने लगते हैं और ये रिएक्शन होती है। KClO3 KCl कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन उड़ता है। इस रिएक्शन को इस तरह से करा जा रहा है। अब नाउ द प्रॉब्लम इज 1 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड, 1 ग्राम ऑफ KClO3 when heated less 0.84 grams residue. Tell me the weight of oxygen. Tell me the volume of oxygen at NTP. Tell me the weight of KCl. Tell me the weight of KClO3 unreacted. देखिए जो रिएक्शन हो रही है वह मैंने दे रखी है, KClO3 when heated gives you KCl plus 3Y2O2। 1 ग्राम KClO3 को हीट करा गया, 1 ग्राम ऑफ KClO3 when heated leaves 0.84 ग्राम रेसिड्यू। 1 ग्राम KClO3 को जब हम हीट कर रहे हैं तो 0.84 ग्राम रेसिड्यू बच रहा है। इस बेसिस पर मुझको बताइए कि वहां कितना ऑक्सीजन का वजन लिबरेट हुआ है। जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई है उसका वॉल्यूम एनटीपी पर क्या होना चाहिए, वेट ऑफ केसीएल वहां पर कितना बन चुका है और वेट ऑफ केसीएलओ3 वहां पर कितना अनरिएक्टेड बचा हुआ है। इस सवाल को ध्यान से सोच समझ कर हल करेंगे। मोल कंसेप्ट लगाना है, कैसे लगाएंगे, लगाइए। नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम, इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। इनफैक्ट मैंने कहा है 1 ग्राम KClO3 को जब रोस्टिंग करा गया, उसको गर्म करा गया, तो इनिशियली जब वजन कराया था तो 1 ग्राम था और फाइनली जब उसको वे करा तो 0.84 ग्राम बचा। नाउ व्हाट इज द डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट ऑफ सैंपल। जो सैंपल लिया है उसका डिक्रीज इन वेट हुआ है 1 माइनस 0.84, दिस इज द डिक्रीज इन वेट ऑफ सैंपल। अब जरा सोचिए कि यह वेट डिक्रीज आखिर क्यों हुआ है। KClO3 रिएक्शन दिया, KCl दिया, ऑक्सीजन दिया और यह ऑक्सीजन वहां उड़ गया। इस ऑक्सीजन के एस्केप कर जाने की वजह से सैंपल के वेट में कुछ कमी आ गई, हेंस दिस इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट इज एस्केप्ड। मतलब इतनी ऑक्सीजन गैस वहां पर निकली है 0.16 ग्राम्स। एंड व्हाट इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज लिबरेटेड, कितने मोल्स ऑक्सीजन के लिबरेट हुए हैं, 0.16 upon 32, 0.005, इतने मोल्स ऑक्सीजन के वहां पर लिबरेट हुए हैं। अब जरा सोचिए 1 मोल KCl का लिबरेट होता है तब साथ में 3/2 मोल्स ऑक्सीजन के लिबरेट होते हैं।
जब एक मोल केसीएल का लिबरेट होता है तो साथ साथ में 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी लिबरेट होता है बाय मोल कंसेप्ट। एक मोल यदि ऑक्सीजन लिबरेट हुआ होगा तो 1/2/3 मोल्स केसीएल के लिबरेट हुए होंगे, 1/3/2 मोल्स। थ्री बाय टू मोल ऑक्सीजन के साथ एक मोल केसीएल के लिबरेट होते हैं। तो एक मोल ऑक्सीजन के साथ 1/3/2 मोल केसीएल के लिबरेट होंगे, जबकि ऑक्सीजन के लिबरेट हुए हैं 0.005 मोल्स, तो केसीएल के लिबरेट होंगे 2/3 × 0.005 मोल्स। मैं कहता हूं मोल्स ऑफ केसीएल फॉर्म्ड मस्ट बी इक्वल टू 0.005 × 2/3, इतने मोल्स केसीएल के बनने चाहिए। मोल कंसेप्ट से कह रहा हूं, इधर मोल कंसेप्ट लगा रहा हूं, देखिए किस तरह से 3/2 मोल्स ऑक्सीजन इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ केसीएल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ 1/3/2 मोल्स ऑफ केसीएल, यूनिटरी मेथड। 0.005 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ 2/3 × 0.005 मोल्स ऑफ केसीएल, हेंस वेट ऑफ केसीएल फॉर्म्ड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 0.01/3 × इट्स मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ केसीएल? 39 + 35.5, दैट इज 74.5। This is the weight of KCl that is formed. You can always calculate it. This 0.248 grams. Volume of oxygen can always be calculated. 1 mole of oxygen always occupy 22.4 liters. Assuming oxygen to be ideal gas, we always say that a mole of by Avogadro's hypothesis for ideal gas. Avogadro's hypothesis for ideal gas says that 1 mole of oxygen occupy 22.4 liters. और ऑक्सीजन के कुल मिला के कितने मोल्स हैं? 0.005. सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन शुड बी 0.005 × 22.4. सॉल्व इट, इट शुड बी इक्वल टू, or let us convert it in liter ml, this much ml, so 5 × this 112 ml, this is the volume of oxygen. Now what is the weight of KClOC? Weight of KClOC that is unreacted निकालना बिल्कुल आसान है। फाइनली रेसिड्यू में क्या है? अनरिएक्टेड KClO3 प्लस द KCl दैट इज फॉर्म्ड, अनरिएक्टेड KClO3 प्लस KCl दैट इज फॉर्म्ड। टोटल वेट ऑफ रेसिड्यू माइनस द वेट ऑफ KCl दैट इज फॉर्म्ड, this must be the weight of unreacted KClO3 that is equal to 2
9.5. This is the grams of unreacted KClO3. पूरे प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, मैं अगला सवाल दूंगा। Zinc react with copper sulfate like this. Metallic zinc react with copper sulfate like this. Now, atomic weight of copper is given and zinc is given. 1 gram of impure zinc wire dipped in aqueous copper sulfate solution. If 0.9 grams of copper is liberated, then what is percentage of zinc in the zinc wire? And what is the weight of copper sulfate formed? 1 gram of impure zinc wire dipped in aqueous copper sulfate solution. If 0.9 grams of copper is liberated, then what is the percentage of zinc in the zinc wire and what is the weight of copper sulfate that is formed? इसी समय सोच समझ कर यह करके बताएं, जो reaction involved है problem में वहां मैंने बता रखी है. Now observe that it's a completely balanced reaction, hence we can say that 1 mole of zinc must react with 1 mole of copper sulfate to give you 1 mole of zinc sulfate and 1 mole of copper. Copper sulfate se mujhe aisa koi khas matlab nahi hai. 1 mole of zinc ka matlab hai 65 grams zinc ke react karenge aur 63.5 grams कॉपर सल्फेट के मिल जाएंगे. जिंक सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, 65 प्लस 96, दैट इज 161 ग्राम जिंक सल्फेट के मिल जाएंगे. 1 ग्राम कॉपर सल्फेट के यदि मिल जाते हैं तो 1 ग्राम के कॉपर सल्फेट के साथ में 161 अपॉन 63.5 ग्राम्स
जिंक सल्फेट मिलता है, और जिंक कितना रिएक्ट करता है, 65/63.5 grams, इतना जिंक रिएक्ट करता है। जबकि हमें कॉपर मिले कितने ग्राम है, 0.9 grams ऑफ कॉपर इज लिबरेटेड, 0.9 grams ऑफ कॉपर मिला है, मतलब 0.9 ग्राम कॉपर के साथ में हमें 0.9 × 161/63.5 grams जिंक सल्फेट का मिला होगा, और 0.9 ग्राम इसके रिएक्ट करे होंगे 65/63.5। मोल कंसेप्ट से हम यह लिख सकते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, एक मोल जिंक एक मोल कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, एक मोल जिंक सल्फेट देगा और एक मोल कॉपर का देगा। अब एक मोल जिंक बराबर होता है 65 ग्राम्स के, कॉपर से हमें कोई, कॉपर सल्फेट से हमें कोई खास मतलब है ही नहीं, कहीं पर भी कॉपर सल्फेट की चर्चा नहीं हो रही, इसलिए कॉपर सल्फेट को मैंने लिखा भी नहीं। जिंक सल्फेट का एक मोल होता है 161 ग्राम, कॉपर का एक मोल होता है 63.5 ग्राम। इसका मतलब जब 63.5 ग्राम प्योर कॉपर मिलता है तो उसके साथ साथ में 161 ग्राम जिंक सल्फेट भी मिलना चाहिए, और जिंक का 65 ग्राम कंज्यूम होना चाहिए। 1 ग्राम यदि कॉपर का मिलता है तो 1 ग्राम कॉपर के साथ 161/63.5 ग्राम जिंक सल्फेट मिलना चाहिए, और जिंक का कितना ग्राम कंज्यूम होना चाहिए, 65/63.5 ग्राम, इतने ग्राम जिंक कंज्यूम हो जाना चाहिए। जबकि हमें एक्चुअली 0.9 ग्राम कॉपर मिला है, तो 0.9 ग्राम कॉपर के साथ में इतने ग्राम जिंक